हम करते हैं आगे, हम इस बॉक्स से, एक सिंपल बॉक्स से अलमीरा बनाएंगे। और अलमीरा बनाने के लिए हमें एक्सट्रूड यूज करना है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक्सट्रूड यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा, ये रहा एक्सट्रूड। आज हम क्या करते हैं, आज हम करते हैं इंसर्ट एज लूप टूल। आपको मैश टूल में मिलेगा इंसर्ट एज लूप। कैसे करना है, क्लिक एंड ड्रैग। क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे ना अलमीरा के अंदर, यहां से ग्रिड ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो, ग्रिड आपको डिस्टर्ब कर रही है। कॉर्नर पे प्लाईवुड की थिकनेस के लिए ये मैंने एज डाला। अब एक जगह डाला है मैंने और एक्सट्रूड करके दिखा रहा हूं आपको। एक्सट्रूड, अब जहां पे मैंने इंसर्ट एज लूप डाला वहां पे तो देखो थिकनेस आ गई, और जहां नहीं डाला वहां नहीं आई। कारण क्या है, अभी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ना बीच में, तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं सेगमेंट डाल दूंगा, एक यहां, एक यहां, एक ऊपर, एक नीचे, तो ये पूरा ना होके सेक्शन बन चुके हैं, इतना ही होगा। ये वाला सेक्शन नहीं सेलेक्ट हो रहा, छोटे वाला, समझ आया। तो चार एज डालने से क्या हुआ, सेक्शन बन गए। अब वो पूरा सेलेक्ट ना होके सिर्फ बीच वाला ही हो रहा है। और उसके बाद भी अगर आपको शेल्फ बनाने, तो और एजेस डाल दो, मुझे मान लो यहां तक शेल्फ बनाने, पास पास डालना जितने थिकनेस आपको चाहिए शेल्फ की। अब देखोगे पूरा ना होके ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, और मैंने बीच का सेलेक्ट ही नहीं किया। और एक्सट्रूड, अब देखोगे प्रॉपर थिकनेस के साथ एक्सट्रूड हुआ है, प्रॉपर अलमीरा बन गई। आप यहां से वायर फ्रेम ऑन शेडेड ऑन कर सकते हो, इससे क्या होगा आपको पता चलेगा कहां कहां सेगमेंट्स हैं। पता चला, समझ आया कैसे अलमीरा बनाई। तो इंसर्ट एज लूप से ये फायदा है। अब दोबारा ये बताता हूं इंसर्ट एज लूप टूल से थोड़ा और एडवांस करके। अब हमने एक एज यहां डाला था, एक एज यहां डाला था। मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली डल जाएं और गैप प्रॉपर मेंटेन हो। मैंने पहले क्या किया था, इंसर्ट एज लूप टूल से रैंडमली डाल दिया था, साइज सेम नहीं आया था, यहां ज्यादा यहां कम हो सकता है, मैं चाहता हूं इक्वल आए। तो इंसर्ट एज लूप टूल के ना यहां पे सेटिंग है, बॉक्स बना रहा है, जस्ट क्लिक। यहां से अगर कोई सेटिंग कर रखी है तो रीसेट हो सकती है। अभी क्या, रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एज, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आप चाहते हो इक्वल और मल्टीप्लाई दोनों सेम है, मल्टीप्लाई ऑन करो। मैं चाहता हूं दो एज आए, एक लेफ्ट एक राइट, जस्ट क्लिक, आ रहे एज आते ही अब आर प्रेस करके खींच दो, तो डिस्टेंस इक्वली बढ़ रहा है। ऐसी दोबारा इंसर्ट एज लूप टूल, पिछली सेटिंग रिपीट आ रही है, आर प्रेस करके खींच दो, डिस्टेंस इक्वल होगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का डिस्टेंस इक्वल है। रीसेट कर सकते हो अगर आपको सेटिंग बार बार रिपीट नहीं करनी, वो सेटिंग हट गई और वही एक एक वाली आ गई है। एक और चीज हो सकती है, अगर आपको एक एज को, ये एक एज है, ये पूरा एक लूप है, सेलेक्ट कैसे करेंगे, डबल क्लिक से। दो चीजें होती हैं एज के अंदर, एज सिलेक्शन दो टाइप की होती है,
फर्स्ट लूप, सेकंड रिंग। अब बात करते हैं लूप क्या चीज है। लूप मींस सिलेक्शन ऑफ कनेक्टेड एजेस। रिंग मींस सिलेक्शन ऑफ पैरेलल एजेस। ठीक है, पैरेलल एजेस। ठीक है, अब क्या करो, डबल क्लिक करोगे तो एज सिलेक्शन हो रही है। डबल क्लिक फॉर एज सिलेक्शन, और शिफ्ट के साथ, देखो शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करोगे, जैसे मानो इस पे किया फिर इस पे किया, तो देखो क्या हो रहा है, पैरेलल सिलेक्शन आ रही है, इसको बोलते हैं रिंग। देखो फिर बता रहा हूं, किसी एज पे डबल क्लिक किया तो वो कनेक्टेड लूप ले रहा है, पर अगर आप शिफ्ट के साथ दूसरे पे क्लिक करोगे तो वो रिंग ले रहा है। समझ आया, तो नोट कर लो रिंग और लूप। देखो किसी एज पे डबल क्लिक करोगे लूप, जस्ट डबल क्लिक, इसमें क्या होगा, जस्ट शिफ्ट प्लस क्लिक ऑन सेकंड सिलेक्शन। सेकंड एट सिलेक्शन, समझ आया, रिंग सेलेक्ट करने के काम आते हैं। कलियर नोट सबने? नहीं, जस्ट क्लिक नहीं, उसमें भी क्लिक करना होगा डबल क्लिक। हाँ, सेकंड एज डबल क्लिक सिलेक्शन। डबल क्लिक नहीं करना, पहले क्लिक में डबल क्लिक नहीं होना चाहिए, सिंपल क्लिक, दूसरे क्लिक में डबल क्लिक। नहीं सर, मुझे लूप करना है फिर रिंग करना है। अच्छा, फिर रिंग हो ही नहीं सकता लूप का, तो अगर फिर भी करना है, देखो ये तो शॉर्टकट बताई मैंने, अब आपको मेन्यू से बता रहा हूँ। आपने लूप किया, ऐसा होगा, काम कैसे है बता रहा हूँ। अब देखो मैंने अभी ये जो लूप बताया था ना आपको, शॉर्टकट से बताया, अब मेन्यू से बताता हूँ कैसे करना है। ये लूप सेलेक्ट कर रहे थे जस्ट डबल क्लिक से, इसका लॉन्ग प्रोसेस भी है, आपको दोनों पता होने चाहिए। कैसे, एक ऐड सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, इस तरफ लूप है, इस तरफ रिंग है, तब टू एज लूप यूटिलिटीज में टू एज लूप। फिर बता रहा हूं, एक तो राइट क्लिक करके यहां से मेन्यू बाहर है, दूसरा यहां से भी आएगा लूप सिलेक्शन के लिए।
इसमें भी मेन्यू चेंज हो गए हैं, यहाँ पे आता था मैश में, पर 16 में सिलेक्शन के अंदर चले गए हैं, लूप अंदर छिपे पड़े हैं। तो आप क्या करना है, या तो डबल क्लिक कर देना या लूप को कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, एज लूप टू एज लूप। अब रिंग करना है जैसे, तो कंट्रोल के साथ राइट ना जाके लेफ्ट जाना टू एज रिंग, ठीक है। तो दोनों काम कर सकते हो। अब मेन पर्पस था हम मेरा आपको पहले इंसर्ट एज समझाना, फिर लूप समझाना। अब दूसरा पर्पस है, मान लो किसी एक लूप को दो एजेस में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको स्प्लिट करना है। तो यहां पे है बेवल, आप नोट करो बेवल, देखो बेवल ने क्या किया। बेवल के बारे में लिखूं, स्प्लिट एजेस इनटू मल्टीपल एजेस, ठीक है, एक एज को मल्टीपल एज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये एज सेलेक्ट किया, बेवल पे क्लिक किया, बेवल का अमाउंट कम कर सकते हो। स्मूथिंग एंगल मींस हार्डनेस नहीं देगा, इसको छेड़ना मत, हार्डनेस दे देगा। ये एक एज को कितने में कन्वर्ट कर रहा है, एक दो तीन, आप यहां से एक कर दोगे तो एक को दो में ही करेगा। आप गैप कम कर सकते हो, समझ आ रहा है। देखो आप क्या करो, चाहे मैनुअली इंसर्ट एज लूप से दो टूल डाल, दो लूप डाल दो, नहीं तो एक ही लूप डाल के उसको बेवल करा दो, आपको दो एजेस बनाने से मतलब है। ऐसे रीसेट कर सकते हो, सारी सेटिंग हट जाएगी। वेट कम करो, समझ आ रहा है। मल्टीपल एजेस डाल दो, मान लो दो, बीच का एक पार्टीशन बना रहा हूं, उसे कम कर दो। मान लो मुझे बीच में पार्टीशन भी बनाना है, और नीचे वाले में नहीं बनाना, नीचे वाला बीच वाला भी सेलेक्ट करोगे तो पार्टीशन नहीं बनेगा। मैंने यहां सेलेक्ट किया, यहां सेलेक्ट नहीं किया बीच वाला पॉली, और यहां सेलेक्ट किया बीच वाला पॉली, एक्सट्रूड मार दो। अब देखो फर्क क्या आएगा दोनों में, क्या फर्क आया, इसमें बीच में पार्टीशन बन गया, इसमें नहीं बना, इसने एक्सट्रूड कर दिया क्योंकि सेलेक्ट था बीच वाला भी, इसमें बीच वाला सेलेक्ट नहीं था इसलिए वहीं के वहीं रह गया। समझ आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि सारी चीजें अलमीरा बेड सब इसी से बनेंगे। मान लो मुझे नीचे वाले के लिए ड्रॉअर भी बनाना है, तो आप एक बॉक्स ले सकते हो नया, फोर प्रेस करके ट्रांसपेरेंट हो जाता है, फोर पहले भी बताया था, फोर प्रेस करके, ताकि मैं इसके साइज इतना बड़ा कर सकूं। ये बन गया ड्रॉअर, पर क्या है ड्रॉअर में, जगह रखने के लिए वॉल्यूम नहीं है, तो आप ऊपर वाले फेस को एक्सट्रूड कर देना, स्केल, स्केल से क्या होता है, छोटा बड़ा होता है, ठीक है, सेक्शन बन गया एक, फिर दोबारा एक्सट्रूड कर देना तो वॉल्यूम बन जाएगा। मैंने एक बार एक्सट्रूड करके स्केल इसलिए किया ताकि थिकनेस आ जाए।
समझ आया? इस चीज को दोबारा बता रहा हूं, देखो थिकनेस लेने के लिए या तो आप एक्सट्रूड कर दो और छोटा कर दो, या दूसरा तरीका है अगर एक्सट्रूड कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इंसर्ट एज लूप टूल से एज डाले, जी फोर रिपीट कमांड बताया था मैंने, दोबारा वही टूल आया था जो पिछली बार यूज किया हो, अब एक्सट्रूड कर दो, बीच में सेक्शन लाने से मतलब है। कोई डाउट? जैसे डोर बनाना है आपको तो नया बॉक्स लो डोर के लिए, नहीं है ना बन गया डोर, अब मैं चाहता हूं डोर खुले कॉर्नर से, पर ये क्या हो रहा है, तो बीच में से खुल रहा है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट बीच में है, तो फॉर रजिस्ट्रेशन पॉइंट डी प्रेस करो, आप रजिस्ट्रेशन पॉइंट को कहीं भी ले आ सकते हो, डी फॉर डेली, D4 रजिस्ट्रेशन पॉइंट एडिटिंग, और रजिस्ट्रेशन पॉइंट वहां ले गए तो कॉर्नर से ही खुलेगा। इसकी एक कॉपी, मान लो दोनों डोर खुले हुए बनाते हैं, एक ऐसे खुला हुआ एक ऐसे खुला हुआ, बन गई आपकी अलमीरा। कोई डाउट? देखो बॉक्स लिया, पहले फिट कर देना इसके जितना, स्केल करो या फेस मोड में जाके फेस सेलेक्ट करके खींच दो, अब देखो ये जो बॉक्स है ना ये बीच में से खुल रहा है, मुझे कॉर्नर से खोलना है, डी प्रेस करना और फिर ये मूव टूल से मूव कर देना, अभी कॉर्नर से ही खुलेगा, कंट्रोल डी से कॉपी, बस हो गया, समझ आया? तो आपको क्या करना है 10 एलमीराज बना के आनी, 10 जैसे इसमें क्या था, ये डिजाइन था, इसमें नीचे एक शेल्फ था ऊपर दो ड्रॉर्स थे, अलग अलग ड्रॉर्स, कहीं पे ड्रॉर ऊपर कहीं पे ड्रॉर नीचे, एक ही में बनाओ अलग अलग बनाओ आपकी मर्जी है, 10 बनानी है अलग अलग डिजाइन के, आप इंटरनेट से अलमीरा की पिक्चर निकाल के सेम बना लो कोई दिक्कत नहीं है, पर 10 बनानी है, ठीक है? करो यहाँ तक आज सेंटर।